उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों की सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। यूपी में बड़े दलों के अलावा छोटे दल भी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सुल्तानपुर पहुंचे और भागीदारी पार्टी के समर्थन में रैली की। जनसभा को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा निशाना साधा। दरअसल सुभासपा और सपा ने इस बार चुनावी दंगल में एक साथ उतरने का फैसला किया है। रैली के दौरान राजभर ने कहा कि 2022 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने सरकार बनने पर प्रदेशवासियों को फ्री बिजली, फ्री शिक्षा और फ्री इलाज का वादा भी किया। धमौर कस्बे में भागीदारी पार्टी की तरफ से महापंचायत का आयोजन किया गया था। इस महापंचायत में इसौली विधानसभा से भागीदारी पार्टी की दिव्या प्रजापति के समर्थन में ओपी राजभर भी पहुंचे थे। साथ ही इस रैली में समाजवादी पार्टी के भी कई नेता और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। रैली के दौरान राजभर ने कहा कि बीजेपी का मतलब भारतीय झूठ पार्टी है। अब तक उन्होंने जो भी वायदे किए वो पूरे नहीं किए। महंगाई और भ्रष्टाचार भी इस समय चरम पर है। उन्होंने कहा कि सवर्ण का आरक्षण चंद दिनों में ही तय कर दिया गया, लेकिन अति पिछड़ी जाति अभी भी इससे वंचित है। राजभर ने कहा कि हमने 2017 में बीजेपी की सरकार बनाई थी और आने वाले 2022 के चुनाव में अब बीजेपी को सत्ता से बेदखल करके सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। ओम प्रकाश राजभर ने साफ कहा कि अखिलेश यादव की सरकार बनते ही स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई मुफ्त रहेगी। ओपी राजभर ने कहा कि मैं बीजेपी के साथ पूरी ईमानदारी से था, लेकिन वो बेईमानी करने लगे तो उनका साथ मैंने छोड़ दिया। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।